वाले दोस्तों, मैं हूं आपका अपना अभिषेक चौधरी और आज की वीडियो में आपको बता रहा हूं बहुत ही बढ़िया बढ़िया ऑफलाइन पीसी रेसिंग गेम्स 1GB साइज के अंदर, जिन्हों खेल का बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो पहली वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे मेरी आने वाली बेहतरीन वीडियो के अपडेट्स कभी नहीं कर पाए मिस। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन और चलते हैं आगे। तो दोस्तों, सबसे पहले गेम का नाम है स्पीडवे ग्रैंड प्रिक्स 15 और एक सिंगल प्लेयर रेसिंग वीडियो गेम है, जिसको डेवलप और पब्लिश किया सॉफ्ट प्लेनेट ने, जो कि रिलीज होता है 1 दिसंबर 2015 को। तो दोस्तों, एक अल्टीमेट स्पीडवे सिमुलेटर गेम है, जिसमें आपको अपनी स्किल्स और टैक्टिक्स शो करनी होती है वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल जीतने के लिए। साथ ही इसमें वेरियस टाइप के इवेंट्स खेल सकते हैं डिफरेंट स्टेडियम्स में अपने दोस्तों के साथ मल्टीप्लेयर के जरिए। वहीं इसमें आप मोटरबाइक्स को बाय और पार्ट्स को रिपेयर भी कर सकते हैं। साथ ही आप डिफरेंट टाइप की सेटिंग्स चेंज करके परफॉर्मेंस भी बढ़ा सकते हैं, जहां आपको डिफरेंट टाइप के रेसेस के बीच में रियल टाइम कमेंट्री भी सुनने को मिलती है। तो दोस्तों, अगले गेम का नाम है रिज रेसर अनबाउंडेड और एक आर्केड रेसिंग वीडियो गेम है, जिसको डेवलप किया बगबीर एंटरटेनमेंट ने और पब्लिश किया नामको बंडाई गेम्स ने, जो कि रिलीज हुआ था 29 मार्च 2012 को। तो दोस्तों, ये गेम सेट होता है फिक्शनल टाउन शटर बे में, जहां आपको कटिंग एज फिजिक्स और इफेक्ट्स का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, जिसमें आपको प्रॉपर डिस्ट्रक्शन फील करने को मिलती है, चाहे वो दूसरी कार से हिट होने पर हो या वॉल और ऑब्जेक्ट से क्रैश होने पर। वहीं इस गेम में आपको अर्बन एनवायरनमेंट में रेस करने का मौका मिलता है, जैसे रिफाइनरी पोर्ट, हाई रेस कंस्ट्रक्शन साइट और कमर्शियल जोन। साथ ही इसमें अपने ड्राइविंग स्किल भी टेस्ट कर सकते हैं और अपनी वर्थ प्रूव करके टर्फ एक्सपेंड कर सकते हैं। दोस्तों, अगले गेम का नाम है आर्ट ऑफ रैली और एक सिंगल प्लेयर रेसिंग वीडियो गेम है, जिसको डेवलप और पब्लिश किया फन सिलेक्टर लैब्स ने, जो कि रिलीज हुआ था 23 सितंबर 2020 को। तो दोस्तों, इस गेम में आप करियर मोड के अंदर रैली के गोल्डन ईरा को एक्सपीरियंस करते हैं, जिसमें 78 स्टेजेस होती हैं, जो फिनलैंड, नॉर्वे, जापान और जर्मनी जैसी लोकेशन में सेट होती हैं। साथ ही इसमें आप फर्स्ट प्लेस के लिए कॉम्पीट करते हैं, जिसमें वीकली और डेली चैलेंजेस होते रहते हैं। वहीं इस गेम में आप 60s से लेकर 80s के बीच की सारी आइकॉनिक कार चला सकते हैं और इसमें आप ट्रिक्स यूज करके, जैसे काउंटर स्टेयरिंग, लेफ्ट फुट ब्रेकिंग और हैंड ब्रेक टर्न यूज करके अपोनेंट से लीड लेके उन्हें हरा सकते हैं। तो दोस्तों, अगले गेम का नाम है स्नो मोटर रेसिंग फ्रीडम और एक सिंगल प्लेयर रेसिंग वीडियो गेम है, जिसको डेवलप और पब्लिश किया जोर्डिक्स ने, जो कि रिलीज हुआ था 24 नवंबर 2017 को। इस गेम में प्लेयर 3 टाइप के चैंपियनशिप में भाग ले सकता है और ऑनलाइन में 8 प्लेयर एक साथ खेल सकते हैं। साथ ही इसमें वो अपने करेक्टर स्नो मोबाइल को कस्टमाइज भी कर सकता है और इसमें वो 12 यूनिक स्नो मोबाइल से 60 डिफरेंट ट्रैक्स पर रेस कर सकता है और कस्टम रेसेस, फ्री स्टाइल स्टंट मोड, ट्रैम टाइल रेसेस में भाग लेके पूरा वर्ल्ड घूम सकता है। तो दोस्तों, अगले गेम का नाम है ट्रैक मानिया 2 स्टेडियम और एक सिंगल प्ले आर्केड रेसिंग वीडियो गेम है, जिसको डेवलप किया नेडियो ने और पब्लिश किया यूबीसॉफ्ट ने, जो कि रिलीज हुआ था 2013 में। तो दोस्तों, इस गेम में आपको बाकी पार्ट से ज्यादा अच्छे ग्राफिक्स, डिटेल्स और लाइटिंग इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। साथ ही इसमें आपको अनयूजुअल ट्रैक्स भी देखने को मिलते हैं, फुल ऑफ ट्विस्ट और टर्न्स के साथ बिगर और बेटर एनवायरनमेंट में। इस गेम में आप सोलो कैंपेन के अंदर 65 यूनिट ट्रैक्स पर रेस कर सकते हैं और ये ट्रैक मानिया सीरीज का 8th गेम है, जिसमें आपको स्टेडियम एनवायरनमेंट भी देखने को मिलता है। साथ ही गेम में आप सुपर रिस्पॉन्सिव कार से हाई स्पीड रेसेस का मजा ले सकते हैं और अपनी स्किल से टॉप पे जा सकते हैं रेसेस जीतने के लिए। दोस्तों, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बेहतरीन बेहतरीन वीडियो बनाता रहता हूं। तो फिर मिलते हैं अगली धमाके वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स, पीस आउट।